जी बिल्कुल, गंगा किनारे मोरगांव एक ऐसी फिल्म थी जो कि हर बिहारियों के, हर यूपी वासियों के दिल के करीब फिल्म थी। शायद ही कोई ऐसा यूपी बिहार का व्यक्ति होगा, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा होगा। और सबकी यही तमन्ना थी कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी कि गंगा किनारे मोरगांव 2 बनना चाहिए। और चूँकि मेरे बाबू जी इस फिल्म के हिस्सा थे, मेरे बाबू जी की पहली फिल्म थी गंगा किनारे मोरगांव और एक डायमंड जुबली फिल्म थी। आपको जान के खुशी होगी ये एक ऐसी फिल्म थी जो कंटिन्यू अप्सरा सिनेमा हॉल पटना में 1 साल तक लगी रही थी और मुंबई में ही ग्रांड रोड में एक सिनेमा हॉल था मिनर्वा सिनेमा में लगातार 25 वीक तक पहली भोजपुरी फिल्म थी जो यहाँ चली थी। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या आज पूरा बिहार बहुत खुश है, सारा भोजपुरी समाज खुश है कि उस महान फिल्म का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है और हम सब उसके गवाह बने हैं। और मैं इसके लिए तमाम लोगों को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, यश भाई को धन्यवाद देता हूँ, रोशन जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारा छोटा भाई सुमित चंद्रवंशी इसको धन्यवाद देता हूँ। और ये सब लोग दोबारा इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। और मैं तमाम अपने दर्शकों को बोलता हूँ कि जो आजकल वो बहुत निराश दिख रहे हैं, सबसे पहले तो टाइटल इतना प्यारा है कि लोगों के मन से ये बात ही खत्म हो जाएगा जो आज बात हो रही है कि एक टाइटल हमारा अच्छा नहीं होता, फिल्में असली बन रही हैं। तो इस टाइटल के माध्यम से एक पहल है भोजपुरी समाज में, भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी दर्शकों के बीच में कि अच्छी फिल्म वापस बनेगी और ईश्वर चाहेंगे तो ये फिल्म भी 50 वीक जरूर चलेगी। यश जी, क्या आप इस फिल्म का हिस्सा होंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं हिस्सा हूँ या नहीं हूँ ये सरप्राइज़ है, बाद में बताएंगे हम लोग। कुछ हम लोग काम कर रहे हैं किसी लेवल पर। आशुतोष जी का फ़ोन आया, मैं अभी बाहर था, तो जब इन्होंने बताया कि भाई गंगा किनारे मोरगांव पार्ट 2 बनाना चाहता हूँ मैं, मैंने कहा बहुत शुभकामनाएं है। तो इन्होंने बोला भैया इस फिल्म का एक छोटा सा संगीतमय मुहूर्त कर रहा हूँ तो आप ज़रूर आएँ। तो जब इंडस्ट्री के कुछ अच्छे काम होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी होता है और सबको उपस्थित होना चाहिए, चूँकि ये एक ऐसी फिल्म है गंगा किनारे मोरगांव पार्ट 2 जो बन रही है। पार्ट 1 इसका गोल्डन जुबली कह लीजिए, डायमंड जुबली कह लीजिए, सिल्वर जुबली कह लीजिए, कहीं 25 हफ्ते चली, कहीं 50 हफ्ते, कहीं 75 हफ्ते। तो ये फिल्म बहुत बड़ी ऐतिहासिक हिट है और ऐतिहासिक फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है और कहीं ना कहीं उसे जुड़ने का मौका मिला तो मैंने सोचा बिल्कुल जाना चाहिए। शुभकामनाएं हैं मेरी आशुतोष जी के साथ, फिल्म के निर्देशक संतोष मिश्रा जी के साथ, और इस फिल्म से जो लोग भी जुड़े हैं सबके लिए गौरव की बात है कि हम एक अच्छी फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है। देखिए वो फिल्म एक ऐसी पारिवारिक फिल्म थी जिसको उस समय, जहाँ तक मुझे, मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, बट लोग बताते, जैसे मेरे पिताजी ने वो फिल्म देखी थी, बताते थे कि बेटा हमान के गांव से ट्रैक्टर अटाली में भर भर के लोग जाओ फिल्म देखे, बैलगाड़ी में भर भर के मेहरारू जाओ से फिल्म देखे। तो वो अगर फिल्म अच्छी थी तभी लोग ट्रैक्टर में भर भर के और बैलगाड़ियों में भर भर के जाते थे। तो और अगर मेरे पिताजी इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, रेलवे में ऑफिसर है, और अगर वो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो यकीनन वो फिल्म उन लोगों के दिल के बड़ी करीब रही होगी। तो उस जनरेशन को छोड़ करके आज उसके बाद की जो जनरेशन चल रही है उसके लिए ये फिल्म बनाई जा रही है, आजकल के समावेश को शामिल करके बनाई जा रही है, तो ये बड़ी गौरव की बात है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछली फिल्म ने, इसका पार्ट 1 गंगा किनारे मोरगांव ने एक बेहद ही अच्छी सफलता हासिल की थी, वैसे ही पार्ट 2 से उम्मीद की जाएगी कि भाई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कामयाबी हासिल करे। और मैं भोजपुरी दर्शकों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन दिनों कि उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि भाई एक्टर कोई भी हो, फिल्म अच्छी है तो ही चलेगी, अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो फिर उनके लिए आज के डेट में एक्टर मायने नहीं रखते। मैं एक चीज़ बीच में कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जैसे लोगों ने मुझसे बोला है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमने एक फिल्म देखी थी भोजपुरी फिल्म जिसका नाम था गंगा किनारे मोरगांव, मैंने उनके सामने अपनी तमाम फिल्मों का जिक्र किया लेकिन उन्होंने उस फिल्म का नाम नहीं सुना था। उनकी जुबान से ही मैंने ये सुना कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने एक फिल्म देखी थी बाबू जी के साथ गंगा किनारे मोरगांव। तो उस फिल्म की गरिमा को बरकरार रहे इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसा कि हम लोगों ने एक फिल्म कभी की थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रजा एक तीन दो भाई, वो भी उस आज से 1 साल पहले एक सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म थी, सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म उस वक्त उस साल की थी, लोग पहली बार भोजपुरी सिनेमा में लोट पोट के बाहर आ रहे थे, हंसते हंसते, मैं सिनेमा हॉल के बाहर था और लोग नाश्ते में निकल रहे कि पैसा सद गए हमारा। तो ये सुनने को बहुत कम मिलता है और इस बार भी
इस बार भी और आज सैटेलाइट पे भी वो आई थिंक दूसरे नंबर की टीआरपी के साथ कंटिन्यू चल रही है बहुत। इस फिल्म को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लोग देखने आएंगे, क्योंकि टाइटल ऐसा है और टाइटल के साथ साथ दर्शकों को ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म भी बहुत 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 खूबसूरत होगी, बहुत अच्छा गीत इसमें आज पिक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसमें समाज का सामाजिक दृष्टिकोण का सामाजिक महत्व का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इन सब चीज़ों को हम लोगों से अच्छा करवाने के लिए बड़े भाई साहब बैठे हैं क्योंकि इनकी आजकल यूट्यूब और ये सब का ज़माना में डिजिटल फिल्म का ज़माना है, डिजिटल में फिल्म हिट है तो भी बहुत बड़ा हिट मामला हो जाता है। ये बड़े भाई साहब हैं तो इनका एक पूरा लगाम है कि किस तरह ये फिल्म अच्छी बने, इनका मार्गदर्शन मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। गाँव पहली फिल्म आई थी तो जितनी बड़ी हिट थी और आज भी शायद डिजिटल पर भी वो काफ़ी बड़ी हिट है और चैनल्स प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बड़ा हिट है, ये फिल्म डेफिनेटली होगी टाइटल पर। सॉन्ग्स तो डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए जिस तरह के गाने उस फिल्म में थे और इसमें छोटे बाबा जुड़े हुए हैं म्यूज़िक के लिए और काफ़ी अच्छा गाना बनाते हैं हमें पता है तो डेफिनेटली इसके लिए गाने अच्छे बनाएंगे और इसके पीछे रीज़न एक और होगा क्योंकि गंगा किनारे मोड़ा गांव के जो गाने थे उनको इन्हें माइंड में रख के बनाना होगा, जिस तरह की हिट थे फिल्म जिस तरह के गाने हिट थे उसको डेफिनेटली ये लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कंपनी हम लोग का हमेशा सपोर्ट रहता है प्रोड्यूसर के साथ, मेरे साथ एक और सपोर्ट होगा क्योंकि हम लोग का मातृभूमि जो है समान एक ही है और एक ही सिटी है और मैं इनका छोटा भाई हूँ तो इनको बड़ी खुशी होती है अगर मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ शहर के लिए। पहले सुनते गंगा किनारे मोरा गाँव उस समय बहुत ही छोटा था, नहीं थे 5-6 साल का रहा और संकट टॉकीज हमारे गोड्डा में हुआ करता झारखंड में, उस समय बिहार में तो फिल्म लगी थी और लोग काफ़ी ज़्यादा क्राउड हुआ करता था फिल्म देखने की, तो हम लोग सोचते थे बच्चे होते हुए भी सोचा यार इतनी भीड़ जाती है वो फिल्म देखने जाए फैमिली के साथ इतने छोटे होने के बाद भी। फिल्म की शूटिंग जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगी और बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन पे फिल्म की शूटिंग होगी। स्टार कास्ट के बारे में मैं अपने मुँह से अभी कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि कुछ काम हमारे डायरेक्टर का होता है, इस निर्देशक की जिम्मेदारियाँ होती है और निर्देशक जब इतना बड़ा हो तो उनके काम में दखल देना भी सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज संतोष जी आने वाले थे, उनकी फ़्लाइट आज मिस हो गई, अभी वो पटना में है और बहुत मिस कर रहे हैं हम सब लोगों को, बहुत जल्दी वो वापस मुंबई आएंगे और चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। इन लोगों के अलावा मैं कुछ मैं मुहूर्त अच्छा तो सिर्फ तो फिल्म रिवील कर रहे हैं फिल्म का जहाँ तक मैंने आँख खोला है तो मेरे पास एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि जब से आँख खोला तो सिनेमा देख रहा हूँ, लोगों को बनाते हुए देख रहा हूँ बनते हुए देख रहा हूँ, तो सिनेमा के लिए ज़रूरत है डायरेक्टर स्क्रिप्ट गाने उसके बाद उसके हिसाब से आर्टिस्ट का चयन किया जाता है और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। पोस्टर में और कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ पैटर्न, हाँ क्योंकि सब लोग रहे और कुछ चीज़ें शूटिंग के टाइम भी होना चाहिए, सरप्राइज एक्चुअली हमेशा सरप्राइज। आप लोगों का क्वेश्चन इनसे कर लिया मैं चाहता हूँ हमारा ये छोटा भाई ये भी बिहार का शान मुजफ्फरपुर का जवान आजकल जो है इसके बिना भोजपुरी फिल्म में एक गाना तो सुमित चक्रवर्ती का होना ही चाहिए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस फिल्म में 4 गाने इसके, तो सरप्राइज के बारे में भी बहुत कुछ मिलेगा आगे लेकिन आज हम लोग गाने के बारे में बात करेंगे। गाना है अभी एक गाना का रिकॉर्डिंग होने वाला है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से अच्छा गाना बनाने का और कुछ ना कुछ कमर्शियली पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि लोग सुनते हैं हम लोग सेंसर में रह के ही काम करते हैं कि जो गाना हम लोग लिखते हैं वो सेंसर से होकर गुजरती है, तो ऐसा नहीं कि वल्गर गाना रखेंगे इसमें, कुछ नहीं एकदम नॉर्मल गाना एकदम सिंपल गाना रहेगा और उस फिल्म का भी हो सकता है एक आध दो गाना हम लोग कुछ ऊपर नीचे पर हाँ करके कुछ गाने इसमें यूज करें, बाकी और भी गीतकार लोग हैं वो लोग भी लिख रहे हैं तो वो लोग अपना अंदाज में लिखेंगे, हमारा तो कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लिखवाते हैं दो गाने। अभी राम जी ने बताया कि आप इस फिल्म में एक्टिंग भी करने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? अरे मैंने कमाया है लीजी ऐसा अभी तक हमको पता नहीं है, हो सकता है आगे मुझे पता नहीं, मेरा कहना इनसे डिस्कशन ऐसे हो रहा कि सुमित भाई बाल बाल बढ़ा रहे
जो है थोड़ा सा वर्कआउट कर दे, हो सकता है ये एक्टिंग कहीं आप लोग का। मैं मिलना चाहता हूँ विदिशा सहाय जी हैं, हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई है, इनका होटल का व्यवसाय है और गोवा, और इनकी माता जी हैं कृष्णा देवी जी। आंटी नमस्ते आपको। हमारा बहुत पारिवारिक संबंध है, आंटी से हमेशा मुलाकात होती रहती थी, तो मैंने एक बार इनको बोला कुछ दिनों पहले कि गंगा किनारे मेरा गांव फिल्म बनानी है, तो उसके बाद जो इनकी कहानी मेरे सामने आई तो मैं शॉक हो गया। उन्होंने बोला मैं चाहूँगा तो बताएंगे आपको कि वो, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का नाम सुनते ही चेक काट के पकड़ा दिया मुझे कि बेटा बनाओ। तो ये एक बड़ी बात है कि क्यों ऐसा किया उन्होंने और क्यों वो फिल्म का नाम सुनते ही उन्हें क्यों बताएंगे। और ये विदिशा जी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संतोष मिश्रा जी के साथ भी इस फिल्म में काम करेंगे। चूँकि डायरेक्टर साहब कभी नहीं है हमारे आपको बताया नहीं गया, लेकिन एक अहम भूमिका में रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बताएंगे फिल्म के बारे में। एक्चुअली गंगा किनारे मेरा गांव काफ़ी पॉपुलर मूवी है, हम लोग काफ़ी छोटे थे उस टाइम, तो जब मुझे इन्होंने ऑफर दिया तो मैंने झट से हाँ कर दिया। और इसमें मैं लीड कैरेक्टर में देखने के लिए गई थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं, आपने आपने पहली बार जो मुझे बोला था ये फिल्म के बारे में सुन के, पहली बार देखी थोड़ी की बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद कुछ ऐसी बात थी ना कि आपने कहा कि शादी के बाद ये पहली फिल्म थी, ऐसा कुछ बताया था आपने? शादी के बाद पहली फिल्म गंगा किनारे मेरा गांव, तो इसीलिए आप ये फिल्म का निर्माण करना चाहते। बहुत बड़ी बात है कि बिहार की मिट्टी की महिला आके और एक सिनेमा क्षेत्र में आई है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनका विश्वास, इनका सब चीज़ें हम कायम रखें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हिस्ट्री में आने में हम सबकी मदद की। और मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म के और तमाम लोग हैं, मजीद एक्टर हैं और कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं, और यश भाई से तो बात हो गई है, इनका इनका आशीर्वाद मिल गया, इनका आशीर्वाद नहीं भाई दुआएं हमारी आप लोगों का दुआ मिल गया, तो समझिए कि फिल्म जो है अपने आप से हो गया। तो गोस्वामी जी, सबसे पहले मैं मोहन राठौर, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं। और इस फिल्म में गंगा किनारे मोरा गांव पार्ट टू जो फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, और इसमें मेरा कई सॉन्ग है, और इसमें का एक लाइन मैं गाऊंगा, पति पत्नी का सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये, अभी मैं इसे गाने वाला हूँ तो पूरा गाऊंगा फिर इसके बाद। इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, गंगा किनारे मेरा गांव जो कि 35 साल पहले आज भी लोगों को दिलों में एक अलग बना हुआ है छवि, इस फिल्म को लेकर पार्ट टू बनने जा रहा है। हाँ, वो लाइन हमें याद आ गया इस नाम से कि गंगा किनारे मोरा गांव रे घर पहुंचा दे देवी मैया, ऐसे करके सॉन्ग था, और इस नाम से ये नाम बहुत ही हिट नाम है, और माता रानी से दुआ करूंगा कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो। फिल्म के निर्माता विजय खरे जी हैं, जो कि आज भोजपुरी सिनेमा के शान है, और इस फिल्म के पहले उनकी पहली फिल्म थी गंगा किनारे मेरा गांव, आज इंडस्ट्री में एक नाम है, एक आदर्श बने हुए हैं। आज उनके बेटे विजय आशुतोष खरे जी लेके आ रहे हैं इस फिल्म को पार्ट टू, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना है कि आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को लेके आ रहे हैं जो लुप्त हो गई है, और नए वर्जन में उसे लेके आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और हमारा भोजपुरी, हमारा भाषा इसी से बहुत आगे बढ़ेगा। भोजपुरी में होता है कि हिंदी से भोजपुरी में आना एक थोड़ा सा वर्ड का बोलने में डायलॉग वलाग होता है, सभी सब सब थोड़ा सा बड़ा टिपिकल होता है भोजपुरी में हमारे, तो वो सब चीज़ों का वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और तो सब भोजपुरी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब सही हो जाएगा, और सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और मेरा एक सॉन्ग आया है, तू हर जगह है, बॉलीवुड का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सब लोग बहुत लाइक कर रहे हैं उसे, तो आप लोग उस सॉन्ग को मेरा ज़रूर देखिएगा, तू हर जगह है। विदिशा जी, आपसे जानना चाहूँगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में से जुड़ने जा रही हैं आप, कितनी तैयारियाँ चल रही हैं भोजपुरी सीखना? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, बट मुझे भोजपुरी लैंग्वेज आती नहीं है, बट सीखना स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब और इन सबसे, अब देखते हैं पहली फिल्म है भोजपुरी तो बट
पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छा कर सकूँ। आपने देखी कोई भोजपुरी फिल्म? देखी है इससे पहले? दो तीन मूवीज तो देखी है मैंने। आज से लगभग 35 साल पहले स्वर्गीय अशोकचंद जैन साहब ने फिल्म बनाई थी गंगा किनारे, बड़ा ही गंग बहुत ही सुंदर फिल्म बनी थी, लोग काफ़ी इसको सराहे थे। हाँ बराबर। आई थिंक फर्स्ट ऐसी फिल्म है जो डायमंड जुबली हुई थी, तो उस समय से बीच की माहौल में बहुत इच्छा थी लोगों की और मेरी भी इच्छा थी कि इस तरह की फिल्म वापस बने। और आज आशुतोष जी ने इस फिल्म को फिर से बनाने का, पार्ट टू बनाने का जो जिम्मा उठाया है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छी फिल्म बनाए और ये फिल्म जरूर चलेगी, पूर्ण विश्वास। आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए हैं? जी नमस्कार। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि विजय खरे साहब ने इस पिक्चर को बहुत साल पहले बनाए थे और हमारे बुजुर्ग समाज, गांव समाज सभी लोग काफ़ी इस फिल्म के बारे में सराहे थे और अच्छी फिल्म थी। आज भी हमारे बड़े भाई साहब गंगा किनारे मोरा गांव का गाना सुनते हैं, घर पहुंचा दे देवी मैया, आज भी चर्चा हुई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बारे में कि विजय खरे सर के पुत्र आशुतोष खरे जी ने इस फिल्म को बनाने के लिए हौसला बनाया। मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार सिन्हा है और मैं इस पिक्चर में चालाकी का रोल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही नसीब की बात है कि गंगा किनारे मोरा गांव टू इतनी बड़ी पिक्चर में मुझे एक आशु भैया ने बहुत अच्छा कैरेक्टर का रोल दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करूँ। और ये हमारा गंगा किनारे मोरा गांव टू ये सदी का दूसरा स्थान सबसे अच्छा पिक्चर बनेगा, पहला गंगा किनारे मोरा गांव का और अब गंगा किनारे मोरा गांव टू, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और हमारे सभी दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं ये फिल्म बने तो आप इन्हें अपना प्यार दीजिए, देखिए कैसा लगता है। हम चाहेंगे अच्छी से अच्छी फिल्म आपके सामने प्रस्तुत करें और आप सभी देख के इंजॉय करें। जी मैंने इससे पहले अभी संतोष सर के ही पिक्चर में अभी इच्छु मंत्र मैंने साइन किया है और जय बजरंगबली, इन सब पिक्चरों में भी मेरा रोल चल रहा है, शूटिंग मेरा भी जारी है। सो आशु भैया ने मुझे देखा और मेरे अच्छे रोल को देखा तो उन्होंने बोला तुम मेरे पिक्चर में बेटा काम करो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं इनसे मिला और इनकी बदौलत मैं इतना मतलब आगेशाली हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आया और अच्छा काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आशु भैया ने जो मुझ पर भरोसा किया है उसे चाहूँगा और अच्छे से मैं करूँ। रेडी? यस। हाँ भैया। जितना कहूँगा उतना प्यार करूँगा, रतिया कुरानी मजा दूंगा रे जब कोरा में भरूंगा, आज रतिया कुरानी मजा दूंगा रे जब कोरा में भरूंगा। अरे यार सामने डन और कुछ गा दीजिए। अब क्या गाएं? बस हो गए, गा दीजिए। एक मिनट कैमरा बंद करते। पहले इस फिल्म के जो निर्माता और जो बैनर के जिस बैनर से फिल्म बन रही है, विजय खरे जी जो बहुत बड़े हस्ती और बहुत बड़े नाम, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि उनसे एक तरह से शुरुआत हुई है सिलर इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बधाई उनको और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे छोटे भाई गीतकार सुमित सिंह चंद्रवंशी को कि पर्दे पे इन्होंने अपने गाने से डंका बजाया है, पत्र यूपी बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं और पहली बार नायक के तौर पे इस फिल्म में दिखेंगे, ये हीरो के रूप में दिखेंगे, तो बहुत सारी मुझे खुशी भी है। देखते हैं क्या अब इनका आगे का काम कैसा होता है, बाकी बेस्ट ऑफ लक इनके लिए। गीत संगीत की बात की जाए तो गंगा किनारे मोरा गांव के जितने गाने हैं आज भी सुने जाते हैं, हर वर्ग के लोग सुनते हैं और आजकल अश्लीलता व्यर्थी कुंवरपन से लोग जो है कहीं कहीं उंगली उठाने लगे हैं, तो इस फिल्म से फिर उम्मीद जगी कि नहीं वही गंगा किनारे मोरा गांव के जैसा ही गीत संगीत सुनने को मिलेगा जैसा उस टाइम जो ये गंगा किनारे मोरा गांव उस टाइम की फिल्म है। तो मैं वो साउंड आजकल का साउंड बहुत काफ़ी चेंज हो गया है,
जब ये सेकंड पार्ट है तो ऑब्वियसली अभी का कुछ उसमें हम लोग का ये रहेगा ही रहेगा, जो अभी के साउंड चल रहे हैं, जो अभी के तत्काल जो साउंड अभी गाने पे हम लोग म्यूजिक कर रहे हैं उस टाइम से, लेकिन हाँ वो पुरानी चीज़ों को जरूर कहीं ना कहीं नए तरीके से जरूर पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे फिल्म का नाम है तो हिसाब से जो मसाला गाने बनते हैं, मसाला गाने को भी एक ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे और कहाँ तक एक हद तक बचा जा सके कि कुछ ऐसा ज़्यादा ना हो कि टाइटल के लिहाज को ध्यान में रखते हुए काम जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये अपने आप में एक इस टाइटल को लेना हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है। मैं साइना सिंह और मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ और मैं सुमित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या वो लिखते हैं, अब वो एज ए हीरो आ रहे हैं तो ये भी बहुत कमाल है। और मैंने सर के साथ तो काम किया ही है, इनकी म्यूजिक अगर जिस फिल्म में हो, आपको पता है ना भोजपुरी में 50% म्यूजिक होता है, 50% एक्ट होता है, ऑडियंस 50% गाने देख के जाती है थिएटर में, तो ये है तो ऑब्वियसली क्या गाने बने होंगे। सब लोग टीम वर्क काम करते हैं और बाकी बिल्कुल बिल्कुल तो ज़बरदस्त है। और इसमें जो डायरेक्टर है वो तो काफ़ी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। और अभी इनकी डेब्यू फिल्म है तो मैं इनको बोलूँगी ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो, क्योंकि इससे अच्छी फिल्म डेब्यू के लिए इनको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बेस्ट फिल्म है, क्योंकि ये बहुत पुरानी फिल्म है और गोल्डन जुबली रह चुकी है। तो अगर ऐसी फिल्में स्टार्ट हो तो भोजपुरी को एक नया रास्ता मिल सकता है। जो अभी लोग कहते हैं अश्लील हो रही है, ये हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी को देखने का नज़रिया होना चाहिए। हम लोग क्या है ना भेड़ चाल में चल रहे हैं, एक ही फिल्म को उसी फिल्म को लेके बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट कोई बना नहीं रहा है, इसीलिए सारी फिल्में जा रही हैं, कुछ अलग बनाएंगी, ऐसी फिल्में आएंगी तो भोजपुरी फिर से आगे निकलेगा। लेकिन साइना की बात करें, जैसे कि लोग फिल्मों पे उंगली उठाते हैं, एल्बम पे नहीं, भोजपुरी आज अगर ये लेके काम कर रही हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू फिल्में बनाते रहें और इसको भोजपुरी को आगे बढ़ाएं।